मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मैंने ये प्रयोग कर लिया है, सब मैं बोल रहा हूं। हमने एक स्कूल चलाया है उत्तर प्रदेश में, अब तो उत्तर प्रदेश नहीं है, एक नया राज्य बन गया उत्तराखंड। वहां पे एक शहर है मसूरी, वहां पे हमने एक स्कूल चलाया, गुरुकुल है। वो सभी फेल बच्चों के लिए चलता है, पास बच्चे वहां नहीं लेते हैं, जो फेल हो जाते हैं ना उनकी भर्ती करते हैं, सातवीं फेल, आठवीं फेल, और जो दो बार फेल है उसको सबसे पहले लेते। हाँ, हमारा नियम है वहां का। वो स्कूल चलाने के लिए मेरे एक दोस्त हैं, वो और उसकी पत्नी दोनों मिलके चलाते हैं, उसका नाम है संदीपनी गुरुकुल। संदीपनी आप जानते हैं, कृष्ण भगवान के मित्र संदीपनी, उनके नाम से वो गुरुकुल है। तो वहां पर हम बच्चों को पढ़ाई करते हैं। कैसे पढ़ाई करते हैं? वहां पर कोई कमरा नहीं है, खोली नहीं है, और गुरुकुल है, बिना खोली के गुरुकुल कैसे? तो झाड़ के नीचे क्लास लगती है। और क्लास कैसे लगती है? मान लो एक दिन हम पढ़ाई शुरू करते हैं पानी के बारे में, पढ़ाई करना पानी, तो पानी का ABCD से लेकर और XYZ तक उनको पढ़ाते। पानी क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, पीने के लिए कैसे वापरना, नहाने के लिए, सब 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 माहिती उनको देते। फिर जब पूरी माहिती हो जाती है तो एक क्लास खत्म होती है। वो एक क्लास 3 महीने चल सकती है, 4 महीने चल सकती है, 5 महीने चल सकती है। पीरियड्स नहीं होते, 40 मिनट का पीरियड, 45 मिनट, ये नहीं। सवेरे से चालू हुआ, दोपहर तक चला, जब भी भूख लगी क्लास बंद हो गई, भोजन किया, विश्राम किया, फिर उठ गए, फिर क्लास चालू। पीरियड्स नहीं होते, सवेरे जो विषय लिया शाम तक वही चलता है, अगले दिन भी चलता है। 5-7 दिन 10 दिन में विषय जब पूरा होता है तब उन बच्चों की परीक्षा होती है। अब परीक्षा कैसे होती है? तो परीक्षा ऐसे होती है कि उनको होमवर्क दिया जाता है या टास्क दिया जाता है कि भाई पानी के बारे में तुमको जितना भी ज्ञान हुआ है अब इसके आधार पर परीक्षा होगी आपको। तो परीक्षा में ऐसे ही उनको काम दिया जाता है, जैसे किसी गांव का तालाब है, अब उस तालाब के पानी की समस्या है, पानी वहां पे रुकता नहीं है या बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी किसे बाढ़ आ जाती है या बारिश नहीं होती है, तो ये समस्या लेकर आपको समाधान करना, पानी के बारे में उनको सब माहिती है। तब वो गांव में जाते हैं, गांव के शेतकरी के साथ बात करते हैं, तालाब की क्या समस्या है उस पर बात करके तालाब को ठीक करते हैं, ठीक करके गुरुकुल में वापस आते हैं, तब उनको माना जाता है कि ये पास हो गए। और नहीं कर पाए समस्या का समाधान तो फिर दोबारा उनको दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, फिर वही समस्या उनको दी जाएगी, फिर उसका समाधान नहीं करेंगे तो तीसरे गांव में, ऐसे चलता रहे। फिर एक विषय पूरा हुआ पानी का, अब दूसरा विषय आ जाएगा, वो विषय किसका आएगा? खेती का आ गया या मिट्टी का आ गया, ऐसे विषय होते हैं। और जब वो विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं तो वो सबसे पहली बात होती है कि घर नहीं जाते। वो बोलते हैं हमको घर नहीं जाने का। क्यों नहीं जाने का? वो कहते घर में मजा नहीं आता। क्यों मजा नहीं आता? आई बाबा दबाव डालते हैं, ऐसा करना वैसा नहीं करना, ऐसा करना वैसा नहीं करना। गुरुकुल में उनको कोई दबाव नहीं, जो उनके दिल में आए वो करना, तो घर नहीं जाते। फिर आई बाबा परेशान होते हैं कि आपने तो बच्चों को बिगाड़ दिया, ये तो हमसे दूर भाग गए। तो हमने कहा आप सोचो ये आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं, आपने इनको पैदा किया, हमने पैदा नहीं किया, फिर ये आपके पास क्यों नहीं आना चाहते और हमारे पास क्यों रहना चाहते हैं? तो उसका एक ही कारण है कि हम उनको अपमान नहीं करते, हमेशा सम्मान करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ज्ञान मिले, दबाव नहीं डालते सकते। तो हमारे यहाँ के विद्यार्थी जब पढ़ के तैयार होते हैं ना, तो आप उनसे पानी के बारे में कोई भी एक सवाल पूछो, दुनिया के किसी प्रोफेसर को उसका जवाब नहीं मालूम, वो जानते, क्योंकि पानी के बारे में सब माहिती उनको है। अब पानी के बारे में माहिती है तो पानी की समस्या जब भी देश में आएगी उसका समाधान वो करेंगे। ऐसे ही हम उनको जंगल में लेके जाते हैं,
तो जंगल में उनको अभ्यास दिया जाता, देखो झाड़ है, हाँ है, ये झाड़ देखो कौन सा है, ये झाड़ ऐसा, ये झाड़ ऐसा, फिर इसको देखो पक्षी कौन सा बैठा हुआ है, ये पक्षी इस झाड़ पर, वो पक्षी इस झाड़ पर, फिर पक्षियों का अभ्यास कराते हैं उनको, कौन सा पक्षी किस झाड़ पर बैठता है, इसी पर क्यों बैठता है, दूसरे पे क्यों नहीं जाता, वो पक्षी कब सुबह निकलता है, कब शाम को वापस आता, संपूर्ण माहिती उनको हो जाती है। फिर किसी जूलॉजी के प्रोफेसर को हम बुलाते हैं बच्चों के बीच में, फिर उसको प्रश्न करते हैं और बच्चों को प्रश्न करते हैं, प्रोफेसर जवाब नहीं देता, बच्चे जवाब देते, प्रोफेसर जवाब देने के लिए किताब ढूंढता है और बच्चे फट 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 मुंह से बोलते हैं, तो वो कहता है कि ये तो मेरे भी गुरु हैं, वो भाग जाता है प्रोफेसर, क्योंकि उसको पुस्तक का नॉलेज है, इनको जिंदगी के सामने से आया हुआ नॉलेज, ऐसा अभ्यास। अब ये अभ्यास करने के बाद ये बच्चे पता है क्या करते हैं, ये जैसे ही निकलते हैं हर जगह इनको बुला लेते हैं सरकार के लोग। आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये हमारा स्कूल 10 साल से चलता है, 10 साल में लगभग 1340 बच्चे वहां से निकले पढ़कर, एक भी बेरोजगार नहीं है इस सब, एक भी बेरोजगार नहीं, सबके पास कम से कम 10 से 15 हजार रुपए मासिक की पगार वाली नौकरियां हैं, डिग्री किसी के पास नहीं। तो आप बोलेंगे नौकरियां कहां मिली हुई हैं, हार्बेरियम में नौकरियां हैं, म्यूजियम में उनको नौकरियां हैं, जहां पर जीवित हार्बेरियम और म्यूजियम होते हैं वहां पर उनको नौकरियां हैं, क्योंकि नॉलेज उनके पास है। और दुनिया में बहुत सारी नौकरियां नॉलेज बेस्ड हैं, डिग्री से उनका कोई संबंध नहीं।